अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल्डर एंड होल्ड इन ड्यू कोर्स सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। होल्डर कौन होता है? द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इन तीनों पर मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप ज़रूर उनको टच लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट और चेक पे तो अभी तक नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। होल्डर कौन होता है? द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टी देयर टू। दो एसेंशियल से कौन से? एक है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए, किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक की। और दूसरा कि वो रिकवर कर सकता हो या रिसीव कर सकता हो अमाउंट देयर ऑफ उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक के बुनियाद पर, वो क्या अमाउंट को मतलब रिकवर करने की हिम्मत रखता हो, वो होता है कौन? होल्डर। सही। ये जो फाइल बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी, हम सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को आप देखेंगे थोड़ा। इस एग्जांपल में ये कहता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल हूँ और मेरा एजेंट है, उस एजेंट को जो है मैं होल्डिंग देता हूँ मेरे प्रोमिसरी नोट की या बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसको जो है पेमेंट हो जाती है। अब वो जो एजेंट है वो होल्डर नहीं कहलाएगा। क्या? वो जो है होल्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ही इज़ डूइंग दैट ऑन बिहाफ ऑफ मी। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे बुनियाद पर वो जो है वो पेमेंट को हासिल कर रहा है या पेमेंट को ले रहा है, तो वो होल्डर नहीं होगा। तो ये थी दो एसेंशियल्स किसके? होल्डर के। अब थोड़ा होल्डर एंड ड्यू कोर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड ड्यू कोर्स। होल्डर एंड ड्यू कोर्स में सेक्शन 9 में क्या कहता है कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स वो होता है कौन भाई? एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की बुनियाद पर। कंसिडरेशन क्या होता है भाई? कंसिडरेशन मतलब होता है इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मैंने कार सेल की, मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये क्या है? कंसिडरेशन है। कार नहीं दूंगा तो पैसे क्यों मिलेंगे? तो कंसिडरेशन ये होता है, इन रिटर्न ऑफ समथिंग, इन रिटर्न ऑफ माई गिविंग कार। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पजेजर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। पजेशन मिलती है किसकी? प्रोमिसरी नोट की, अ बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक की। और बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकेम पेबल, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी सही ना? क्या मैच्योरिटी? मतलब मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई? मेरे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर जो पैसे मेंशन है अभी तक वो नहीं दिए गए, अब वो आने वाली किसी डेट पे या डिमांड पर वो मुझे दिए जाएंगे, अभी तक वो पैसे पे नहीं हुए, तो दिस इज़ कॉल्ड बिफोर मैच्योरेशन। तो बिफोर द अमाउंट मैंशन इन इट बिकेम पेबल, मतलब बिफोर मैच्योरेशन, अभी तक पैसे दिए नहीं गए अब मिलेंगे। Without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title, इसका मतलब होता है good faith। मतलब वो जो बंदा जो holder in due course कहलाएगा, वो बंदा उसके पास जो bill है या promissory note है या check है, वो feel कर रहा है, वो believe कर रहा है कि this is in good faith, मतलब इसके अंदर कोई fraud नहीं है, मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मुझे ज़रूर मिलेंगे, इसमें कोई हराम पाई नहीं हो रही है। तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ होल्डर एंड ड्यू कोर्स। तो कौन सी एसेंशियल हैं? चार। कौन सी? एक कंसीडरेशन होना लाजमी है, दूसरा पोजीशन, तीसरा कि बिफोर मैच्योरिटी हो, और चौथा कि इन गुड फेथ हो। इसके अंदर पांचवी जो है वो ये है कि होल्डर होना लाजमी है वो बंदा, मतलब जो होल्डर एंड ड्यू कोर्स है। अब उसके अंदर पांच एसेंशियल्स हो गए, कौन सा भाई? एक के वो होल्डर होना लाजमी है, दूसरा कंसीडरेशन, तीसरा पोजीशन, चौथा बिफोर मैच्योरिटी एंड पांचवा इन गुड फेथ। सॉरी, एग्जांपल वन को देख लें। इसके अंदर कहता है कि ए जो है वो चेक को ड्रॉ करता है 5000 का, बी को देता है, बी को कहता है कि भाई आपको 5000 मिलेंगे बट बाय वे ऑफ गिफ्ट मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है या होल्डर है?
तो आंसर है ये होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में लाजमी है कि वहाँ पर कंसिड्रेशन होना चाहिए, मगर इस केस में आप देखते हो देख रहे हो कि कंसिड्रेशन कोई भी नहीं है उसको। गिफ्ट जो है वो अमाउंट 5,000 रुपये का जो है वो मिल रहा है बी को, तो यहाँ पर बी जो है वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ओके तो लेट्स हैव एग्जाम्पल, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल से हम दोनों को क्रैक करते हैं, होल्डर एंड ड्यू कोर्स को। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो होल्डर में जो है वो राइट हो उस बंदे का उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के अमाउंट को हासिल करने का, लाजमी नहीं को कि उसका हक हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, ये है ए और ये है बी। भाई ए को देनी थी एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन कंसिडरेशन बी को। अब ए ने उसको वो अमाउंट प्रॉमिसरी नोट के थ्रू या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जो है, पीछे ढोल बज रहा है भाई, शादी हो रही है मोहल्ले में क्या करें। अब जो ए ने अमाउंट देना था बी को, अमाउंट उसको मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दिया है या प्रॉमिसरी नोट के थ्रू दिया है, अभी मैच्योरेशन नहीं हुई है उसकी, मैच्योरिटी नहीं हुई है, बी को दिया। अब यहाँ पे बी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बी क्या भाई, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब एक सिचुएशन को लाते हैं, सिचुएशन ये है कि भाई बी की हो गई डेथ। अब आता है सी, सी कहता है कि ए को कि आप जो है ना, अभी तक पहले क्या हुआ था कि दिया था बी को ए ने प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी, मगर अब ये सिचुएशन ये है कि बी को अभी मिला नहीं था, ए को अभी देना था कि बी की डेथ हो गई। अब आ गया सी, सी कहता है ए को कि मैं बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसका रिश्तेदार हूँ, जो भी हूँ, ब्लड रिलेटिव हूँ, मगर सी है नहीं उसका, सी वैसे झूठ बोल रहा है। अब सी ने जो हासिल, अब जो सी को ए जो है अभी सोचे समझे बगैर जो है ए उसको दे देता है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी है प्रॉमिसरी नोट जो भी दे देता है सी को।
अब क्या होता है कि भाई सी जो है उसको मिल गई वो चीज़, अब सी को जो है वो पेमेंट होनी है। अब बताएं क्या सी यहाँ पर होल्डर है? आंसर इज़ येस, सी इज़ होल्डर, क्योंकि मैंने बताया था कि लाजमी नहीं है कि वो राइट हो। इट होल्डर जो है वो बंदा थ्रू फ्रॉड भी हो सकता है। यहाँ पे सी ने फ्रॉड किया है, सी जो है फ्रॉड करके होल्डर बन गया, मगर क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है? आंसर इज़ नो, सही है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि सी की पहली बात यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है और उसके अलावा गुड फेथ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में लीगल राइट होता है और यहाँ पर सी का कोई राइट नहीं है। अब थोड़ा सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। सी ने क्या किया कि भाई वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जिस पे पेमेंट होनी थी अभी हुई नहीं है, क्योंकि बिफोर मैच्योरेशन काम है ना, यहाँ पर अभी हुई नहीं थी, उसको दे दिया किसको? डी को। और इसको कहते हैं हम एंडोर्समेंट। क्या एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट में क्या होता है भाई, एक ने जो चीज़ सी को दी, सी ने उसी चीज़ को साइन करके दे दिया डी को। अब डी बेचारा, मतलब डी ने, डी ने कोई चीज़ थी जो सेल की थी सी को, अब सी ने उसको पैसे की बुनियाद पर क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट दे दिया, उसके थ्रू अब डी को पेमेंट होगी, सही है, जिसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। क्योंकि इंडोर्समेंट में डायरेक्ट जो नहीं होता है, सी को खुद को किसी और ने दिया था, किसने? ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो डायरेक्ट जो है वो नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट अब सी ने क्या किया डी को, अब डी ने जो है चारों इजेंशियल जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। क्या, किस तरह के? पहले तो ये होल्डर है, दूसरा ये कि इसके बाद अब पोजीशन भी आ गई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के थ्रू सी, उसके अलावा जो है गुड फेथ में उसने लिया है बिफोर मैच्योरिटी, और उसके अलावा इसकी कंसिडरेशन भी है। तो अब डी को जो है, अब भले सी का फ्रॉड में हुआ हो, सी ने भले उसका फ्रॉड में लिया हो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को, मगर डी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सी अब इस सिचुएशन में होल्डर है। तो डी क्या है, अब डी जो है वो क्लेम कर सकता है किसके खिलाफ? सी के खिलाफ। अगर सी नहीं देगा तो वो डी के खिलाफ, ए के खिलाफ भी कर सकता है। ए के खिलाफ क्यों कर सकता है? क्योंकि ए ने अभी तक पेमेंट सी को तो नहीं की ना, पेमेंट सी को नहीं की, तो सी कह सकता है डी को कि मुझे अभी पेमेंट हुई नहीं है, उस पर जो है ए का नाम है, तुम जाके ए से लो। तो ए को भी जो यहाँ पर किया जा सकता है सू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब एक बार फिर से हम उसको देखते हैं, लेट्स सी। तो हम अब उस एग्जाम्पल से क्या सीखें? हम उस एग्जाम्पल से ये सीखें कि होल्डर जो बंदा होता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स में मेन डिफरेंस ये है कि होल्डर में जो कंसीडरेशन लाजमी नहीं है, गिफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, मगर होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसीडरेशन होना लाजमन है। दूसरा मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है कि होल्डर जो है उसका राइट लाजमी नहीं है कि वो होल्डर जो है थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन या थ्रू फ्रॉड जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को हासिल कर सकता है। बट व्हेन वी कम ऑन होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट पर्सन हैज़ अ राइट कंसर्न टू दैट प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चंस इन कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माई वीडियो एंड चैनल बोथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।